Hello everyone, this is Shweta, your IELTS trainer. Welcome back to my channel, Sacred English Academy. I hope you all are good out there. So, आज की वीडियो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज टूडेज वीडियो इज रिगार्डिंग फूड. मतलब कि आज की वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग वोकैबुलरी ऑफ फूड. और खास करके मैं आई स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताने वाली हूँ, वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. बिकॉज आपको आईएलटीएस के राइटिंग मॉड्यूल में और आईएलटीएस के स्पीकिंग मॉड्यूल में ये वर्ड्स बहुत ही काम आने वाले हैं. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बीच में ना छोड़े, आप इस वीडियो को एंड तक देखें. सो लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट वर्ड इज डाइन आउट. फॉर एग्जाम्पल, आपको आईएलटीएस के स्पीकिंग मॉड्यूल में एक क्यू कार्ड मिला है रिगार्डिंग टू डिस्क्राइब द बर्थडे पार्टी. तो बर्थडे पार्टी में अगर आपने ये प्लान किया था उस टाइम पे कि आपने बर्थडे वाले दिन बाहर जाना था, मतलब कि एक रेस्टोरेंट पे जाके डाइन करना था, मतलब कि आपको डिनर करना था, तो आप इस लाइन को कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं. ऑन माई बर्थडे मी एंड माई फैमिली डिसाइडेड टू डाइन आउट. इसी से रिलेटेड एक वर्ड है, दैट इज डाइन इन. डाइन इन का मतलब होता है कि आपने डिनर करने का डिसाइड किया अपने ही घर पर. मतलब आपने बाहर जाने का डिसाइड नहीं किया किसी कैफे में, किसी रेस्टोरेंट में, बल्कि आपने डिसाइड किया कि आप डिनर करेंगे अपने ही घर पे. सो इसी तरीके से जैसे मैंने डाइन आउट का सेंटेंस बनाया, डाइन आउट की को रिप्लेस करके आप डाइन इन वर्ड्स लगा सकते हैं और अपने सेंटेंस को बना सकते हैं. जैसे कि ऑन माय बर्थडे मी एंड माय फैमिली डिसाइडेड टू डाइन इन एंड द नेक्स्ट इज होम कुक्ड मील्स. होम कुक्ड मील्स का मतलब ये है कि ऐसा खाना जो कि घर पर बनाया जाता है. एंड इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई मोस्टली प्रेफर होम कुक्ड मील्स सिंस इट्स हेल्दी. एंड द नेक्स्ट वन इज लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल से मेरे कहने का मतलब ये है ऐसी सब्जियां जो कि पत्तों वाली होती है, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच या फिर कैबेज. फॉर इंस्टेंस कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बचपन में थी तो तब मेरी मदर बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बनाया करती थी. When I was a child, my mother used to cook a lot of green leafy vegetables. And the next one is packed with vitamins. Packed with vitamins का मतलब full of vitamins. ऐसा food item जिसमें कि बहुत सारे vitamins हैं, so उसके लिए आप use कर सकते हैं packed with vitamins. Then comes mouth-watering meals. Mouth-watering meals से मेरे कहने का मतलब ऐसे food items जिसको देखकर या जिसके बारे में सोचकर आपके मुंह में सच में पानी आ जाता है, आपका दिल करता है कि मैं जल्दी से जाकर उस फूड आइटम को खा लूं. फॉर इंस्टेंस फॉर मी पिज्जा इज रियली माउथ वाटरिंग मील. देन कम्स क्विक स्नैक्स. क्विक का मतलब तेज एंड क्विक स्नैक्स का मतलब ऐसे स्नैक्स जो कि जल्दी बन जाते हैं. बार बार ऐसा होता है कि हम टायर्ड होते हैं, हमें कई बार ऐसा होता है कि हम सच में इतनी एनर्जी हमें नहीं है कि हम फुल खाने को प्रिपेयर कर सके, तो हमारा दिल करता है कि हमें जल्दी से क्विक स्नैक्स मिल जाए. फॉर इंस्टेंस लास्ट इवनिंग आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई प्रेफर क्विक स्नैक्स. द नेक्स्ट इज टू ईट लाइक अ हॉर्स. टू ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब है बहुत ज्यादा खाना. फॉर इंस्टेंस माय फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स, दैट इज व्हाई He has become a glutton. Next one is takeaway meals. Takeaway meals का मतलब होता है ऐसे meals जो कि restaurant और cafes में बैठकर नहीं खाए जाते, बनते तो वहां पर है but आपको वहां से ले जाकर अपने घर जाकर उन meals को खाना होता है. So for instance, my friend mostly prefer to go for takeaway meals during the pandemic. Then comes fussy eater. फसी ईटर एक ऐसा इंसान होता है जो फूड्स के बारे में काफी चूजी होता है, काफी पिकी होता है. फॉर इंस्टेंस माई फ्रेंड इज अ फसी ईटर. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो. नाउ इफ यू वॉन्ट मोर वीडियो लाइक दिस, क्विकली स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो. कमेंट मी कि आपका सबसे फेवरेट फूड आइटम कौन सा है, या फिर जो भी वर्ड्स मैंने आपको करवाए, आप सबसे ज्यादा जो आपका फेवरेट बन चुका है या फिर वो वर्ड्स जो कि सच में आप यूज करने वाले हैं उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा.